दोस्तों, मालपुरा की 7 बेटियों के लिए मदद का कारवां अभी तक रुका नहीं है। लगातार इन बेटियों के लिए हर कोई व्यक्ति मदद के लिए आगे आ रहा है। जब से ये मुहिम चली है उसके बाद से हम तमाम लोग देख रहे हैं कि अपने देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इन बच्चियों के लिए सहयोग कर रहे थे। और ऐसे में जब ये हादसा हुआ था, जब ये घटना हुई थी, तब बाड़मेर जिले के कुछ साथी, या यूं कहें कि हमेशा माँ भारती की सेवा करने वाले हमारे देश के जवान जो भारतीय सेना में तैनात हैं, इन जवानों के मन में सदैव समर्पण का भाव रहता है। ये हर लोग जहां कहीं भी होते हैं, हमेशा से ही, चाहे अपने सीमाओं की रक्षा की बात करें, चाहे देश की बात करें, चाहे गांव की, परिवार की, समाज की, या शोषित पीड़ित वर्ग की, ये लोग जितनी इनसे होती है उनकी मदद करते रहते हैं। ऐसे ही 3 फौजी हैं हमारे साथ, ये शंकर जी हैं, किशन जी हैं और भंवरलाल जी हैं। ये तीनों हमारे बाड़मेर के हैं और बाड़मेर भारतीय सेना में ये ड्यूटी करते हैं। और जब ये घटना हुई तब इन्होंने अपनी ओर से एक मुहिम चलाई थी। हालांकि शंकर जी को लेकर कई सारे लोगों ने ये भी कहा था कि उन्होंने हम अपने नंबर दिए हैं, पैसे ले रहे हैं, पता नहीं पैसे कहाँ करेंगे, क्या करेंगे। और इनका भी फोन आया था कि मैं किसी काम के कारण ऐसी जगह व्यस्त हूँ जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कई सारे कारणों की वजह से, तो इस कारण ये यहाँ नहीं आ पाए। और आज जब इनको मालूम चला कि आज उनके घर में जो 12वां होता है रीति रिवाज के अनुसार, वो 12वां था, इन्होंने मुझे फोन किया, आज ये मेरे साथ आए और उन बच्चियों को 1,14,000 रुपए की सहयोग राशि इन्होंने बच्चियों के लिए दी है। अब मैं चाहूंगा कि शंकर जी ने कैसे मुहिम चलाई थी और क्या कैसे पूरी बात हुई थी, किशन जी आप बताएंगे। हमारा आरबी ग्रुप और गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप है, उसमें हम पूरे फौजी है बाड़मेर के। तो जैसे ये घटना घटी हमने सोशल मीडिया से देखी, तो हमारे को लगा कि परिवार के साथ महासात हो गया है, लेकिन उनके जो बेटियां हैं उनके घर के लिए हम कुछ कर सकते हैं, मतलब कि मानवता के लिए। तो हमने एक मुहिम चलाई थी, शंकर जी के नंबर दिए थे और 3-4 दिन चलाई थी, लगभग 1,25,000 रुपए आ गए थे और वो आज देने के लिए आए हैं। अच्छा, कितना इस तरीके के एक फौजी लोग होता है उसके मन में हमेशा समर्पण का भाव रहता ही है, लेकिन जब किसी वर्ग की बात आती है, चाहे इस प्रकार के सहयोग की बात हो, परिवार की, समाज की, फौजी सदैव आगे रहते हैं। क्या भावना आपके मन में आती है? हमारे लिए मतलब कोई जाति पंथी नहीं है, हम सबको एक दृष्टि से देखते हैं, ये हमारा भाई है बस। अच्छा, आज बहनों से मिले हैं, परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से, कितना अच्छा क्या लगता है कि हाँ ऐसी मदद करनी चाहिए, और तमाम उन लोगों के लिए, तमाम उन परिवारों के लिए जो कहीं ना कहीं जिनको जरूरत की मदद की जरूरत है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मानवता के लिए हमेशा आगे आएं। आप अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास कुछ है, भगवान आपको मदद करने के लिए कह रहा है तो करो आप। अगर जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? आपके पास है करो, भगवान आपको डबल देगा। निश्चित रूप से ये शंकर जी थे, किशन जी हैं और भंवरलाल जी हैं, ये तीनों ही बाड़मेर जिले के अलग अलग क्षेत्रों से हैं और इन तीनों ने मिलकर के एक मुहिम चलाई और उसके बाद तमाम लोगों ने इनका सहयोग किया। आज 1,14,000 रुपए केसी जो है सबसे बड़ी बेटी इनको दिया है। तो मैं तमाम दर्शकों से यह भी कहना चाहूंगा कि हम लोग या कोई भी लोग जब भी किसी जरूरतमंद के लिए आपसे मदद मांगे, सहयोग मांगे, तो तमाम लोग करते रहिएगा, ताकि जो इनकी कमियां हैं, जो भगवान ने कमियां की हैं, वो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन इंसानियत के नाते, मानवता के नाते हम तमाम लोग ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको संबल जरूर मिलेगा। शुक्रिया।